आज की भाषा में ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो जिस जिसके पास आपके पास कॉपी पेन नहीं है, अपनी अपनी हार्ड डिस्क पे नोट कर लेना जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। मैं आपके साथ तीन चीजें शेयर करूंगा। पंजाबी आती है सबको? ओके। तीन सस्से शेयर करने वाला हूं, तीन एस। सब जल्दी आना, ठीक है। तो सबसे पहला जो सस्ता है वो है सेल्फ स्टॉपिंग द स्टडी पैटर्न। वी हैव दैट द डस्ट स्कैटर्ड फ्रॉम जो से बोलो पंजाब। अब इसी का कोई हिंदी या पंजाबी में बताओ इसको क्या बोलेंगे। सेल्फ का मतलब खुद या आप, और स्टडी का मतलब, मतलब क्या हुआ फिर सेल्फ स्टडी का? खुद शनासी भाई, खुद पढ़ना, अपने आप पढ़ना। मगर मैं इसको थोड़ा सा और डिस्टॉर्ट कर देता हूं, धक्के मार मार के पढ़ना, ठीक है। और खुद पढ़ना, अपने आप पढ़ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। मगर आज के दौर पे हम क्या हो गए हैं, कोचिंग, ट्यूशन, और उसके लिए पूरे सेंटर खुल गए हैं। कोई जम्मू जा रहा है, कोई रजौरी जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, और हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। वो एक बिजनेस बन चुका है। उस बिजनेस में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चे पास होते हैं, कहीं जाते हैं 90 बच्चे फेल हो रहे हैं। 90 बच्चों के मार्क्स, सिटीजंस एज स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस अहेड। यू आर वेरी लकी दैट यू हैव सच एमिनेंट पर्सनैलिटीज विद एजुकेशन बेंट ऑफ माइंड हु आर देयर टू गाइड यू। सारा प्रोग्राम उन्हीं के इर्द गिर्द हमने घुमाया, और हमको ये एहसास हुआ कि जितनी कोशिश इन्होंने यहाँ पे सुरनकोट में लोगों के की बेहतरी के लिए, नौजवानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए जो भी कोशिश की है, और मुख्तलिफ तरह के जो एस्टेब्लिशमेंट्स की है जो इनके डोमेन से हट के थी, वो इन्होंने यहाँ पे की। और हम समझते थे कि हम किसी जगह बैठ जाए और बैठ करके इनको ये एहसास कराएं कि आपने जितनी ये कोशिश की है, जितनी चीजें दी हैं, वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडियो स्टेशन से लेकर के हाड़ी मड़ोट की बेकरी तक, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजना, बच्चों को यहाँ पे कोचिंग देना, बच्चों की सिलेक्शन कराना, और लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर एक ड्राइविंग जो है, वो इतना भी काम हमारे कमांडर साहब ने अपने इस टेन्यूर के दौरान किया। तो हमारी ख्वाहिश थी कि कहीं हम बैठे एक जगह और वहां पे इनके इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट करें, वो लफ्जों के रूप में भी और एक अवार्ड के रूप में भी, जो हमारी पीर पंजाब फाउंडेशन ने इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से इस सब काम के लिए नवाजा था। और हमने कहा आज इस तो माँ भूल बंदे।